दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके कबूतर चुप क्यों रहते हैं और सुस्त क्यों बैठे रहते हैं। बारीकी से बताने वाले हैं, तो हमारी वीडियो को बारीकी से देखें, समझे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल से आपको भी छोटी बड़ी चीज़ भाई सीखने को मिले। भाई मेरे पास कमेंट भी आई थी, भाई ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे कबूतर चुपचाप बैठे रहते हैं और सुस्त बैठे रहते हैं, ऐसा हम क्या करें कि उन कबूतर में चुस्ती फुर्ती आ जाए। भाई मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए थे और मेरे वीडियो के नीचे भी दोस्तों मैसेज आ रहे भाइयों के। मैं आपको भाई बता दूं, कभी आपके वो कबूतर चुपचाप बैठ रहे हैं, खामोश बैठ रहे हैं या सुस्त बैठ रहे हैं, सुस्त कबूतर में एक अलग पहचान हो जाती है। जो कबूतर चुप बैठ रहा है यानी खामोश बैठ रहा है यानी नॉर्मली बैठ रहा है यानी उसकी एक पहचान अलग हो जाती है। पहली बात, पहले मैं आपको बताता हूँ, जो कबूतर चुप बैठ रहा है और एकदम नॉर्मली बैठ रहा है, चुप बैठ रहा है, आपको नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि कबूतर चुप क्यों बैठा है, कभी वो कबूतर वजन हल्का कर रहा है, कभी सीने की हड्डी बाहर निकल रही है, तो आप समझ जाना है कि ये कबूतर बीमार हो रहा है, तो इसका फटाफट आपको इलाज करना है। अब दूसरी, कई बार देखने में ये आता है कि जो एक कबूतर नॉर्मली बैठता है यार, चुपचाप बैठ जाता है, बैठे रहता है कई महीने तक के, चुपचाप बैठे रहता है, गुटराता नहीं है, मादी नहीं समझ में आता कि मादी बनने वाली है, ये नहीं समझ में आता कि नर बनने वाला है, बस चुपचाप बैठे रहेगा कोने में, वो दाना पानी सब खा रहा है, वजन भी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी हम आपको इलाज बता देंगे। पहले हम आपको सुस्त कबूतर का इलाज बता देते भाई, पहले वो काफ़ी ज़रूरी है। कभी आपका कबूतर का वजन हल्का हो रहा है, बीमार हो रहा है, फूल के बैठा है, भाई आपके पास मल्टीविटामिन, ये आपके पास होना चाहिए भाई, ये है मल्टीविटामिन टॉनिक, ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी, आप घर पे लेके आ जाओ, एक लीटर पानी में 5 ml डाल के कबूतर को रोज पिलाना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि कबूतर का वजन हल्का नहीं होगा, क्योंकि ये है मल्टीविटामिन, ताकत वाली चीज़ है। उसके बाद विमरोल भी आपको लेके आना है, कभी आप दोनों चीज़ एक साथ मिला के देंगे इंशाल्लाह आपको भाई काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कभी दोनों चीज़ आप मिला रहे हो, एक लीटर पानी में 5-5 ml डाल के चलने दो रोज, कबूतर का जो वजन हल्का हो रहा है ना, तो बहुत ही जल्दी आपको भाई रिजल्ट दिखेगा, कबूतर का वजन बढ़ेगा, कि जहाँ कबूतर भाई सूखने लग जाता है वो वजन छोड़ना चालू कर देता है, वो कबूतर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, मर भी जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बस ये दो चीज़ें इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह कबूतर आपका सही हो जाएगा। अब जो कबूतर चुप बैठ रहा है, दाना पानी सब खा रहा है, खामोश बैठ रहा है, उस कबूतर का इलाज क्या करना है भाई? उसके इलाज आपको बस यही करना है कि उस कबूतर को उसके हाल पे छोड़ दो, मत ध्यान दो। आपको लग रहा है कि यार हम चाहते हैं कि एक्टिव आए, चुस्ती फुर्ती आए, उस कबूतर को आप 2 टाइम धूप में बिठा के रखो, आपके पास जाल होना चाहिए, 2x2 1.5x1.5 की जाल आपके पास होना चाहिए, उस जाल में आप बिठा के उसको छत पे बिठा दो, ताकि उसको धूप की जब रोशनी पड़े, चटके पड़े, तो हम खाना हो जाए वो कबूतर, और वो नर बनना वाला है तो नर बन जाएगा, मादी बनने वाला है भाई मादी बन जाएगी। भाई कई बार ये देखने में आता है कबूतर की एक रहता है यार, क्या खामोश बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, कोई वो नहीं है ना, एक ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, कबूतर की चीज़ देखने में आती है, तो बस आप ये चीज़ करो, धूप के छटके दो, इंशाल्लाह कबूतर में खाना हो जाएगा, कबूतर आपका सही हो जाएगा। और जो मैंने आपको टॉनिक बताया ये भी आप टॉनिक उन कबूतर को दे दो, ये टॉनिक देने से कुछ भी नुकसान नहीं है, आप अच्छे कबूतर को भी दे सकते हो, बीमार कबूतर को भी दे सकते हो, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आप समझ गए हो, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 तरीका बता दिया हूँ, 2 पहचान बता दिया हूँ, नहीं तो हमारा भाई क्या है, चुपचाप बैठा है, चुपचाप बैठा है, खामोश बैठा है, फटाक से इलाज कर दिया, नहीं, इलाज करने से पहले ये तो जान लो कि वो कबूतर बीमार है, पता चला अच्छे कबूतर को आपने मेडिसिन दे दिया तो भी दिक्कत है, कभी आपने अच्छे कबूतर को भी पिला दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है मेडिसिन की, जहाँ आपने उसको अच्छे कबूतर को मेडिसिन दे दिए तो बड़ा भाई कबूतर वहाँ भी दिक्कत में आ जाता है, क्योंकि मेडिसिन जब पेट में जाती है ना तो पूरा सिस्टम हिला देती है, बीमार कबूतर को सही कर देंगे, बाकी अच्छे कबूतर को बीमार कर सकती है। जहाँ तक कोशिश ये करें कि पहले पहचान ले, पहले समझ ले कि ये कबूतर बीमार है कि अच्छा है, उसके बाद ही आप इलाज करें।